उदाहरण 13। प्रश्न, दिए गए चित्र में यदि BE लंब EC, कोण EBC बराबर 40 अंश, कोण DAC बराबर 30 अंश है तो X और Y ज्ञात कीजिए। हल, चित्र क्रमांक 39 देखिए। इसके त्रिभुज EBC में 90 अंश धन 40 अंश धन X बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसे हम त्रिभुज का कोण योग गुण भी कहते हैं। 90 और 40 जोड़ते हैं हम, 130 अंश धन X बराबर 180 अंश या X बराबर 180 अंश ऋण 130 अंश। तो यहाँ से हमें X बराबर प्राप्त होता है 50 अंश। समीकरण एक। पुनः चित्र में देखिए, त्रिभुज ADC में, आप देख सकते हैं कि कोण ADE बराबर कोण DAC धन कोण ACD। कोण ADE बराबर कोण DAC धन कोण ACD। बाह्य कोण प्रमेय से हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि कोण ADE का मान y दिया हुआ है, तो y बराबर कोण DAC, DAC का मान दिया हुआ है 30 अंश, और कोण ACD का मान हम लिख सकते हैं x दिया हुआ है, x का मान हम समीकरण 1 से 50 अंश देख सकते हैं। इस मान को रखने पर हमें मिलेगा y बराबर 30 अंश धन 50 अंश या y बराबर 80 अंश। इस तरह से हमें x और y दोनों के मान मिल गए। x का मान प्राप्त हुआ हमें 50 अंश और y का मान 80 अंश। यह हमारे इस प्रश्न का उत्तर है।